नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंबाला के सांसद एवं पूर्ण जल शक्ति एंड सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री रत्नलाल कटारिया शमशान घाट में लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक दाह संस्कार की मशीन का शिलान्यास करने भराड़ा पहुंचे। इस ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लगाने पर लगभग 55 लाख रुपए का खर्च आएगा और ये जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। सांसद के बराड़ा पहुंचने पर कस्बा वासियों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। वहीं सांसद ने शमशान घाट में हॉल के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। सांसद ने कस्बे वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो काफी समय बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और आज उन्हें बराड़ा में इलेक्ट्रॉनिक दाह संस्कार की मशीन का शिलान्यास और भूमि पूजन करने का मौका मिला है। वहीं सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि इस समय दुनिया बहुत ही खतरनाक मोड़ से गुजर रही है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। आज लड़ाई का 11वां दिन है। इसमें बहुत तबाही हो चुकी है। लड़ाई के इन 11 दिनों में विश्व का लगभग 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। भारत के लगभग 20,000 छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में गए थे, वहां फंस गए थे। उन्होंने लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि भारत माँ के लाल जननायक नरेंद्र मोदी ने अपनी विश्वव्यापी सोच के अनुकूल एक ऐसी रणनीति बनाई कि हमारे सभी छात्र सकुशल भारत लौट आए हैं। बराड़ा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। के बहुत दिनों के बाद बराड़ा के सार्वजनिक कार्यक्रम में आने का मौका मिला और एक इलेक्ट्रॉनिक सावधान की जो मशीन लगने वाली है उसका आज भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया और इस कार्यक्रम में आने का मौका। आज दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ से गुजर रही है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। आज 11वां दिन है। बहुत तबाही इन 11 दिनों में सारी दुनिया में हुई है। कोई 50 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान इन 11 दिनों में हुआ है। भारत के 20,000 से भी ज्यादा छात्र जो वहां मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करते हैं वो वहां फंसे हुए थे। लेकिन हम सब बधाई देना चाहेंगे भारत माता के लाल जननायक नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अपनी विश्वव्यापी सोच के परिणाम स्वरूप ऐसी रणनीति बनाई कि हमारे 20,000 के 20,000 छात्र सकुशल भारत वापिस लौट आए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।